हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपका जो सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ एनालाइज करेंगे। तो ये एनालिसिस किसके बेसिस पे है? ये एनालिसिस है स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंस हुई है अभी एग्जाम में उसके बेसिस पे। तो मेरी बात हुई डिफरेंट स्टूडेंट्स से, डिफरेंट जगहों से जो बिलोंग करते हैं, कि उनका पेपर कैसा हुआ। तो सबसे बात करने के बाद कुछ कट ऑफ एनालाइज जो है वो मैंने भी किया है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है? प्लस मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है, ठीक? एंड अब देख लो, पेपर जो है वो किस लेवल का था? वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था, डिफिकल्ट टू मॉडरेट। ऑल्दो अगर आपने वो टिडबिट्स फॉलो करी होती जो मैं आपको बोलती हूँ हर बार, जैसे मैंने आपको कहा था जब आप स्कीम्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको कंटेंट जो पीडीएफ दिया है उसमें सारी स्कीम्स प्रेजेंट थी, ठीक है? उसका मैंने आपको कहा था ईयर जरूरी याद करोगे आप, ठीक है? अगर आपने वो ईयर याद किया होता तो क्रोनोलॉजी जैसे क्वेश्चंस गलत नहीं करके आते हैं। जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उनके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस मोस्टली गलत हैं, ठीक? तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब टीचर बार बार ही कोई चीज़ बोल रहा होता है, स्टूडेंट्स वो नहीं सुनते हैं। मैंने आपको रूल ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करना सिखाया कि कैसे एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिसको आप एलिमिनेशन रूल से आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये मैंने आप काफ़ी बार वीडियोज़ में चीज़ बताई थी, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90 क्रॉस किया है, ठीक? जो रेगुलरली चैनल को देख रहे थे और जिन्होंने प्रॉपरली रिविजन किए थे, टेस्ट सीरीज भी प्रॉपरली दी थी, लेकिन ये स्टूडेंट का नंबर जो है काफ़ी कम है। जो मेजोरिटी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है वो 75 ब्रैकेट में है, 75 प्लस माइनस 5, दैट मीन्स 70 to 80 के रेंज में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं। एंड ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके VLW में भी अच्छा खासा स्कोर आया था। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम क्या एनालाइज करते हैं? आई वुड से जिनका 75 प्लस जिन्होंने स्कोर किया है ओपन मेरिट, उनके चांस हो सकते हैं 75 प्लस फॉर ओपन मेरिट, ठीक है? एंड देन 70 अबव फॉर कैटेगरीज। फिर ये डिफरेंट कैटेगरीज का वैरी करेगा डेफिनेटली, लेकिन जिनका 75 अबव है, अगर आपका एनम जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन यू आर ओके, एंड अगर आपने 70 अबव स्कोर किए हैं ना, आपकी कोई कैटेगरी है, देन ऑल्सो यू आर ओके, ठीक है? एंड इसमें जो प्लस 5 अबव JKSSB देखेगा वो कैसे ऐड करेगा, पर प्रोसीजर आई गेस यही रहेगा, 95 में कन्वर्ट करके प्लस 5, जिनके पास वो प्लस 5 है और उनके स्कोर जो है वो अपने कैलकुलेट कर करके देख सकते हैं। तो इस रेंज में अगर आप आते हो तो आप वेट कर सकते हो रिजल्ट का। एंड अगर आप इस रेंज में कहीं फॉल करते हो तो कुछ दिन का ब्रेक लेके आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करोगे, अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फाइन? ये आपके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे था। प्लस आपका जो बाकी पोर्शन था वो आई वुड से इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था। एंड जो मैंने आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाई थी, सारे क्वेश्चंस आप उन वीडियो से देख के सॉल्व कर सकते थे, फाइन? तो जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, पर वो स्टूडेंट का जो नंबर है वो कम है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कम रेंज में ही आ रहे हैं और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए पेपर डिफिकल्ट था। तो आपका जो कट ऑफ है वो 75 प्लस अराउंड फॉर जनरल कैटेगरी होगा एंड 70 अबव फॉर अदर कैटेगरीज। मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस टाइम पे आपको कह रहे हैं 100 प्लस कट ऑफ जाएगा या मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, डोंट लिसन टू देम। कोई ही ऐसा होगा जिसने इसमें 100 अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी कम, 120 पूरे अटेम्प्ट करना तो बात ही नहीं है, जिसने सही से अटेम्प्ट किए होंगे। सिर्फ तुक्का मारने पर तो आप 120 कर सकते हो, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सही से 100 अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है? ऐसे आई वुड से 5 या 6 स्टूडेंट्स ही होंगे, आई डाउट कि उतने भी होंगे या नहीं। तो ओवरऑल हम इस पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही कंसिडर करेंगे एज पर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो उसके हिसाब से कट ऑफ आपका इसी रेंज का होना चाहिए, ठीक? तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो इस रेंज में फॉलो करते हैं आपको रेस्ट करना है एंड वेट फॉर द रिजल्ट, फाइन? एंड जो इस रेंज, एंड अगर इस रेंज वाले दे फर्दर वॉन्ट टू टेक अनदर एग्जाम्स, लाइक आप OKS या UPSC के लिए आप एम कर रहे हैं, तो फॉलो करण करण चैनल में JKS के भी कोर्स अपना स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने एक बनाई हुई है, 2-3 वीडियोज अपलोड किए हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो इस कैटेगरी के हैं स्टूडेंट्स, उनको डेफिनेटली अब नए एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। डोंट लोअर योर गार्ड एट दिस टाइम,
ये भी बहुत अच्छा स्कोर है, आपने मेहनत की। बाद में फिर स्कोर अच्छा होना नहीं होना, इसमें काफी चीजें आती हैं। कभी ऐसा होता है ना कि नींद से उठ के सुबह एग्जाम वाले दिन किसी ने कोई चैप्टर रिवाइज किया हो एंड डायरेक्टली 5 क्वेश्चन उस चैप्टर से आ गए हो, तो इसीलिए एलिमेंट ऑफ लक जो है वो इन एग्जाम्स में हमेशा रहता है। अगर आपने कम स्कोर किया है, दैट डजेंट मीन इन एनी केस के आप यू आर लेस इंटेलिजेंट और यू आर लेस केपेबल, इट जस्ट वॉज नॉट योर डे। ठीक है, आप यही चीज मानोगे एंड आपको बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है। यू डोंट हैव टाइम टू गेट डिसहार्टन, जस्ट बिलीव दैट यू आर मेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स एंड आने वाले टाइम में आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इससे बेटर एंड मोर डिफिकल्ट एग्जाम्स आप क्रैक करेंगे, फाइन। एंड मेरी एक बात आप हमेशा के लिए याद रखो, ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मैंने आपको एग्जाम में, टेस्ट सीरीज में, एमसीक्यूज में हर जगह कही कि जब भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट करें एंड आपको लगे कि एग्जाम डिफिकल्ट है, तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एंड जब एग्जाम इजी होगा तब आपको पता ही, आपको क्वेश्चंस की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करनी होगी। एक ये चीज आपको याद रखनी है। एंड फ्यूचर एग्जाम्स के लिए मैंने आपको एमसीक्यूज में और टिडबिट्स वाले वीडियो में भी कहा था कि आप कीवर्ड्स पे फोकस करो क्वेश्चन के। कई लोगों ने पहला ही क्वेश्चन गलत किया है जिसमें कम्युनिटी के साथ वो नॉट वाला क्वेश्चन था, कि आपको नॉट के बेसिस पे कैटेगराइज करना था एंड कईयों ने उसको वी फिलिंग लिखा हुआ था। एंड मैंने आपको एमसीक्यूज में, टेस्ट सीरीज में हर जगह ये बात बार बार बताई थी कि जो क्वेश्चन का कीवर्ड है उस पर फोकस करो। अगर आप कॉमेंट सेक्शन भी देखोगे मेरे प्रीवियस वीडियोज का, तो बच्चों ने ये एडमिट किया हुआ है कि उनसे ये गलती हुई है, मेरे इतने बार आपको ये बात समझाने के बाद भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप छोड़ो, अब जो चीजें हो गई आगे देखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो एंड जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है, वेल डन, ऑल द बेस्ट। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने जो मार्क्स है वो बताओ कितने हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, जो आगे फर्दर दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मेरी बाकी प्लेलिस्ट जो है चैनल की चेकआउट करेंगे। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।